सलमान खान लगातार खबरों में बने हुए हैं। सलमान खान से विश्नोई समाज नाराज है। दरअसल सलमान खान पर काले हिरन को मारने का आरोप लगा था और विश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है। इसी वजह से विश्नोई समाज चाहता था कि सलमान उनके मंदिर में जाकर माफी मांगे। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने तो सलमान खान को धमकी तक दे डाली थी, उनके घर के बाहर गोलियां तक चलवा दी थी। इसी सब के बीच में सलीम खान, सलमान खान के पिता, ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा था कि सलमान ने किसी जानवर को नहीं मारा तो माफी किस बात की मांगे। वहीं सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सौमी अली ने कहा था कि सलमान ने खुद उन्हें बताया था कि उन्होंने काले हिरन को मारा था। हालांकि सलमान को पता नहीं था कि विश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है। इस सब के बीच विश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र विश्नोई ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि सबसे पहले तो मैं ये साफ करता हूं कि सौमी अली मेरे टच में नहीं है। दूसरा ऐसा है कि कोई किसी की ओर से माफी मांगे, पूजा करे तो समाज ये परमिशन नहीं देता। जो गुनाह करता है उसी को माफी मांगनी पड़ती है, पश्चाताप उसी को करना पड़ता है। जहां तक माफी की बात है तो अब सलमान के पिता ने झूठ बोला कि सलमान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब तो सलमान को माफ नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा, आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते हैं, सच बोलकर बचाया जा सकता है कि गलती हो गई माफ कर दो, बाकी कोर्ट का केस है, वहां चल रहा है, अब हम इसे माफी नहीं देंगे क्योंकि ये लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पहले पैसे का आरोप लगाया था, वो हमारा गुनहगार है। मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री से अपील करता हूँ कि इस केस को रोज सुनवाई करके सलमान को सजा दिलवाई जाए।